खेल किया जाता है, जैसे मैच चल रहा है दोनों टीमों में, दोनों गोल पोस्ट में जैसे लाइट चल गई या लेफ्ट चल गई बॉल, तो उसको राइट को लेफ्ट को मतलब आउट दिखाना पड़ेगा, अगर सेंटर से निकल गई तो उसको गोल दिखाना पड़ेगा। ये होता है कि अगर मैंने गोल ऊपर कर दिया, झंडा ऊपर कर दिया और मैंने डिस्टेंस लिया, गोल हुआ तो गोल माना जाएगा। अगर तीसरा रेफरी आके बोलता है गोल नहीं, तो मेरी एक वही बात रहेगी कि गोल है। तीसरा जो जज बैठता वो उस पर डिसीजन देगा कि अगर झंडा ऊपर है तो झंडा ऊपर ही रहेगा, शॉट आता तो उसको पूरा नजर कर नहीं सकते, क्योंकि उसको ये ध्यान रहता है कि जैसे अपन गोल आ रहा है तो उस पर देखना कि फ्लैग के अंदर है कि बाहर है, अगर बाहर है तो आउट दिखाना पड़ेगा राइट साइड में, अगर लेफ्ट आ रहा है तो लेफ्ट में आउट दिखाना पड़ेगा, अगर सेंटर में बिल्कुल भी एक मतलब इंच भी अगर बॉल अंदर आएगी तो उसको गोल दिखाना पड़ेगा, फ्लैग को ऊपर करके दिखाना पड़ेगा। ये मेरे को 23 साल हो गए डेली का नहीं, जैसे डिटेलमेंट अलग अलग रहती है, हमारी अलग अलग अपॉइंटमेंट ड्यूटी रहती है, मगर यहाँ पर क्या कि जज के तौर पर हमारे को भेजते हैं, सिस्टम के अंदर से भेजते हैं, तो हमारे जितने भी हैं घुड़सवार है सिस्टम के अंदर में, और हमारा काम ये पोलो खेलना, जंपिंग करना और ड्रेसाज करना, काफ़ी और भी हमारे प्रोग्राम, फर्स्ट में पोलो आता हमारा सिस्टम के अंदर का ही, और ये भी हमारा ही ग्राउंड है जयपुर, जो पोलो ग्राउंड है ना, तो इसको राजस्थान से जयपुर पोलो ग्राउंड बोला जाता है, ये वैसे पुराना दरबार के जयपुर दरबार है उनका ग्राउंड है। बात हाँ मेरे ऊपर आएगी, अगर मैंने डिसीजन गलत को सही कर दिया तो उसमें मैं पनिशमेंट का भी हकदार हूँ, तो ये चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ती है। हाँ तो उसका भी ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि दो रेफरी चलते हैं ग्राउंड में, एक तीसरा वहाँ बैठता अपने उस मंच पे और छोटा में होता हूँ, तो मेरा डिसीजन और उनका डिसीजन एक होना चाहिए, इसमें पूरा नज़रअंदाज बिल्कुल नहीं कर सकते, अगर गोल आ रही तो उसको देखना गोल आ रही, अपना ही बचाव करना और गोल को भी देखना। टीम है जैसे रंजीगंदार के उधर ही खेल रही, तो मेरे दोनों बराबर, मैं फेर नहीं कर सकता। हाँ वो अंदर तो ऐसा आएगा, मगर आउट है तो आउट दिखाना पड़ेगा और गोल होगी तो गोल दिखाना पड़ेगा, इसमें टीम में क्या दोनों को बराबर मानना पड़ेगा। और जैसे इधर की तरफ आते हैं घोड़े या बॉल या प्लेयर, तो अचानक अब तो आपको ना हमारे को तो ऐसा कोई नहीं है, सिर्फ बॉल का ध्यान रखते हैं कि अपना नहीं लग जाए, गोल देखना पड़ेगा।